नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लाज। मेरा नाम है गिरिराज। आज हम एक ऐसे फैक्टर की बात करेंगे फ्रिज में जो यूजुअली कोई देखता नहीं है। कई बार अभी मार्केट में इतने सस्ते रेफ्रिजरेटर्स आने लग गए हैं जिसकी क्वालिटी नहीं होती और जिसका हैंडल हाथ में आ जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो ज़रूर देखो फ्रिज लेने से पहले। जैसे कि आप ये फ्रिज देख रहे हैं, इसकी थिकनेस देखिए। हर ब्रांड की ऐसी थिकनेस होती है और उसके प्राइस पॉइंट कई बार उससे भी डिफाइन होते हैं। मतलब कई कई ऐसे भी फ्रिज हैं मार्केट में जो 5-5, 6-6 किलो हैवी है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसमें पफ ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा समय तक के आपके फ्रिज को कूल रखेगा। इनफैक्ट जब आप समझ लीजिए आपके यहाँ लाइट भी चली जाएगी तब भी वो उसमें जो कूलिंग रहेगी वो ज़्यादा समय तक के रहेगी। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। प्लस क्या होता है ना, वो इतने पतले फ्रिजेस आ रहे हैं कि अगर आप खींचोगे तो उसके हैंडल्स हाथ में आ जाएंगे ऐसा, उसका डोर हाथ में आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो ध्यान रखिए, आप भले 8,000 स्पेंड करें, आप 9.5-10 करिए, 11 करिए, 12 करिए, बट ऐसा प्रोडक्ट मत करिए जिसमें आगे आपको सर्विस में इशू आए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, डू शेयर विद अपने फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, देखिए समझे फिर खरीदें। थैंक यू सो मच।